हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेचर श्योर शैम्पू का रिव्यू। तो मैंने इसको रिसेंटली ही अमेजोन से परचेज किया है। इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ तक अपने हेयर पे ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं ये वाला रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं हमेशा ही अपने हेयर एंड स्किन केयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहती हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए प्रोडक्ट रिव्यू भी कर पाऊँ। साथ ही साथ आप कभी भी कोई भी एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो मैं कुछ अच्छा हमेशा ही सर्च करते रहती हूँ। तो इन केस अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट परचेज करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है femstyle212। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग मैं अपना लिप शेड आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने अप्लाई किया है NYB की मिनी लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 18 क्लोजर। ओके, सो स्टार्टिंग विद द पैकेजिंग। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरह के व्हाइट बॉटल में आता है। यहाँ पे आपको इस तरह का पंप मिल जाएगा, आराम से आप इसको इस तरह से ओपन करके पोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ओपन एंड क्लोज होता है ट्विस्ट करने से, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करूँ इसमें आपको कितनी क्वांटिटी मिल जाती है, तो ये इसमें आपको 300 ml की क्वांटिटी मिल जाती है और इसका प्राइस जस्ट 390 rupees है। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसमें आपको 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है, विच इज़ अगेन डिसेंट, क्योंकि इतने दिन तक कोई भी शैम्पूज स्टोर नहीं करते, उससे पहले ये सारे खत्म हो जाते हैं। ये जो है 100% नेचुरल है, एंड इसमें ये जो है पैराबिन फ्री भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, एंड बहुत ही अच्छा है आपके हेयर के लिए। अगर बात करूं कि ये किस तरह के हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करती है, एंटी डैंड्रफ है और आपके हेयर में शाइन लाती है। और अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूं तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लिस्ट है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दूंगी। इसमें जनरली जो है आपको बहुत यू नो नेचुरल सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे शैम्पूज ऐसे होते हैं जो नेचुरल बोलते हैं एंड उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जो फ्रेगनेंस है ये थोड़ी सी इसमें बनाना टाइप की फ्रेगनेंस आती है। और अगर टेक्सचर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा थिक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, तो इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपकी आपको कोई भी शैम्पू जो है इस तरह के कंसिस्टेंसी की मिलती है जिसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके अपने स्कैल्प पे इसको अप्लाई कीजिए। तो आराम से ये आपके स्कैल्प पे यू नो लग भी जाएगी और स्प्रेड भी होगी, क्योंकि थिक शैम्पूज में ये एक प्रॉब्लम होती है कि आपके हेयर पे स्प्रेड नहीं होती, बट थोड़ा सा वाटर मिला देने से आराम से स्प्रेड हो जाएगा। और इसका एडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट भी बहुत कम लगेगी, तो आराम से आप इसको स्प्रेड करके अपने स्कैल्प में अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, उसके बाद जो मुझे रिजल्ट्स मिले मैं वो पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये वाली प्रोडक्ट लगती है। सेकंड, इसको अप्लाई करने के बाद जब मैं अच्छी तरह से हेयर वॉश कर लेती हूँ जब बाहर आती हूँ, तो एक फर्स्ट तो ये कि मेरे हेयर पर बहुत अच्छी सी एक लाइट फ्रेगनेंस रहती है। बनाना से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बहुत देर तक ये वाली फ्रेगनेंस आपके हेयर पर स्टे नहीं करने वाली है। सेकेंड, बहुत ही अच्छा सा शाइन आ जाता है और बहुत ही अच्छा नेचुरल सा यू नो फील होता है, लाइट वेटेड होता है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है हेयर की। और एक और बात, मेरी कर्ली हेयर है, ड्राई एंड फ्रिजी होती है हमारे जैसे हेयर जिनके होते हैं उनके, तो अगर आप इस तरह के शैम्पूज यूज़ करते हैं या फिर आप ये शैम्पू यूज़ करते हैं, ट्रस्ट मी, आपके हेयर पे बिल्कुल भी फ्रिजीनेस नहीं रहेगी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी हेयर इतने ज़्यादा फ्रिजी नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। तो डेफिनेटली इसको यूज़ करने के बाद मुझे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, एंड ये मेरा करेंटली फेवरेट शैम्पू है अभी, ट्रस्ट मी। मैंने इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी कोई भी तरह की हेयर टाइप है, वेदर इट बी स्ट्रेट या फिर कर्ली है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको कंडीशनिंग वाले शैम्पूज चाहिए जो आपके हेयर में शाइन ऐड करे, एक नेचुरल सी ग्लो रहे आपके हेयर पे, हेल्दी दिखे आपका हेयर, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अंडररेटेड हैं, एंड उन्हें जो है रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है कुछ ही ब्रांड्स जानते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट्स जानते हैं, जिनकी वजह से उनको पता नहीं है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप मेरे रिकमेंडेशन पे अगर कोई भी प्रोडक्ट पहले परचेज कर चुके हैं एंड आपको पसंद आती है, तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, मैं आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ तो
उसे सिर्फ मैंने ही ट्राई नहीं किया होता है, मेरी सिस्टर भी ट्राई करती है, तो हम दो लोग ट्राई करते हैं। उसके बाद ही मैं दोनों का रिजल्ट देखने के बाद ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर इंसान पे वर्क नहीं कर पाता, तो कभी ये मत सोचिएगा कि हम लोग गलत रिव्यू हमेशा करें, क्योंकि मैं इसको अभी नहीं ट्राई कर रही हूँ, मैं इसके बाद भी इसको परचेज करूंगी एंड अपने कोई भी हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहती हूँ, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो एकदम साफ मैं बोल देती हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आई, अगर पसंद आती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। तो रिकमेंड तो जरूर करूंगी, बट अगेन ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। बहुत लोग जस्ट एक से दो बार अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं एंड फिर कमेंट करते हैं कि दी हमारे पे लाइक हमारे हेयर पे वर्क नहीं करी, या फिर कोई प्रोडक्ट हमारे स्किन पे वर्क नहीं करी। तो देखिए, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से इसको यूज करना पड़ेगा, और सारे शैम्पूज हो या फिर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो या फिर कोई हेयर केयर प्रोडक्ट हो, सभी के पीछे लिखा होता है कि आपको किस तरह से उस प्रोडक्ट को ट्राई करना है। तो आप कभी भी अपने मेथड की जगह पे जिस तरह से प्रोडक्ट पे मेंशन है उस तरह से ट्राई करके देखिए, मे बी तब आपके ऊपर वो प्रोडक्ट वर्क कर जाए। तो मेरे हिसाब से तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, ये अफोर्डेबल है, सेकंड, इसने बहुत अच्छे से मेरे हेयर पे वर्क किया है, तो एक ट्राई तो जरूर बनता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइजी नहीं है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था जो मैंने शेयर किया, मुझे पर्सनली बेहद पसंद आया। इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।